गैस मेरे पास है दो प्यारा सा स्मार्टफोन वन प्लस नॉट C3 लाइट और वीवो T2X। दोनों फोन में लगभग सेम स्पेसिफिकेशन है, इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज है ये दोनों फोन लेकर। आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच डिटेल कंपेयर करूंगा और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा ये दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट है। चलिए दोस्तों कंपेरिजन शुरुआत करता हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले से। वन प्लस का फोन आता है 6.72 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, एक IPS LCD पैनल है और इसमें आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। Vivo T2X आता है 6.58 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पैनल है, लेकिन इसमें है वाटर ड्रॉप नॉच। OnePlus में है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Vivo में है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दोनों फोन का ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा रखा है, इंडोर पर, आउटडोर पर या डायरेक्ट सनलाइट पर यूज करोगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों फोन में वाइड वाइन एलॉन का सर्टिफिकेशन है, एक वीडियो सैंपल आपके साथ शेयर करो, आप यहाँ पर देख सकते हो बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट, बेटर डिटेलिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वन प्लस में SB वन प्लस का डिस्प्ले का सच बड़ा है, इसलिए दोस्तों जब इस फोन में आप मूवी या वीडियो देखोगे एक नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा। ऐसे भी दोनों फोन में तो अलग चिपसेट है, वन प्लस में है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से 695 चिपसेट जो 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, वीवो में है डायमंड सिटी की तरफ से 6020 चिपसेट जो 7 नैनोमीटर पर बना हुआ है। दोनों फोन का अंतुतु स्कोर साइड बाय साइड देख सकते हो, दोनों फोन के अंतुतु स्कोर में जैसे डिफरेंस है या फिर डे टू लाइफ यूज में परफॉर्मेंस में भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ऐसे भी दोनों फोन में ऐप ओपनिंग बहुत ही फास्ट होता है, ऐप ओपन ऐप क्लोज में एनिमेशन में कुछ भी जिटर वगैरह महसूस नहीं होता है, लेकिन जब बारी आता है गेम प्ले करने का, दोनों फोन में मैंने BGMI गेम को रन किया था, अब BGMI जैसा गेम दोनों फोन में 40 FPS में खेल पाओगे। बेटर जायरो का परफॉर्मेंस गेम में, बेटर स्मूथनेस आपको मिलेगा वन प्लस में। हाँ दोस्तों जब आप दोनों फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम खेलोगे दोनों फोन हल्का सा अटक अटक के चलता है। ऐसे भी मेरे पास है वन प्लस का 8GB 120 LG वेरिएंट और वीवो का 6GB 128 GB वेरिएंट। दोनों फोन में LPDDR4X का रैम है और दोनों फोन में EOS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। ओवरऑल दोस्तों अगर आप गेमर हो, अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में यूज करते हो तो वन प्लस का फोन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन कैमरा में देखा जाए वन प्लस का फोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, प्राइमरी जो सेंसर है 108 मेगापिक्सल जिसमें OIS नहीं मिलता है। वीवो का फोन आता है पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप के साथ, इसका जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल, इसमें OIS नहीं मिलता है। वन प्लस से आप फुल HD में 30 FPS पर वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, वीवो से आप फुल HD में 60 FPS पर वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। पहला आप लोग दोनों फोन का वीडियो सैंपल देख लीजिए। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फुल HD 30 FPS में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा फोन में अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, स्टेबिलाइजेशन भी देख सकते हो। चलिए ऑटो फोकस टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहला मैं टेस्ट करूँगा वन प्लस में, तो वन प्लस में ऑटो फोकस ठीक ठाक आ रहा है, वीवो में आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आप कुछ फोटो सैंपल भी देख सकते हो, स्काई का कलर को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है वन प्लस का फोन, इसमें कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन यार वन प्लस का फोन थोड़ा सा वार्म कलर टोन के साथ फोटो को क्लिक करता है, वीवो का फोन थोड़ा सा ब्लू कलर टोन के साथ फोटो को क्लिक करता है। लेकिन स्किन टोन की तरफ देखा जाए वन प्लस फिर से विनर रहता है, क्योंकि जो है स्किन टोन को ज्यादा बूस्ट नहीं करता है, वीवो जो है स्किन टोन को रेड कर देता है, दोनों फोन डायनामिक रेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। ऐसे भी वन प्लस में है 16 MP का सेल्फी कैमरा, वीवो में है 8 MP सेल्फी कैमरा। दोनों फोन की सेल्फी कैमरा से आप फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे और वीडियो सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो। यार यहाँ पर स्किन टोन की कलर में सिर्फ डिफरेंस मिलेगा, ये छोड़कर दोनों फोन में लगभग सेम परफॉर्मेंस मिलता है। फोटो सैंपल की तरफ भी आप नजर डालिए, आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो में भी स्किन टोन में डिफरेंस मिल जाएगा। वीवो का फोन जो है स्किन टोन को थोड़ा सा रेड कर देता है, इसके वजह से इसका जो फोटो जो है देखने में बहुत ही गंदा लगता है। दोनों फोन डायनेमिक रेंज को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, लेकिन पीछे की तरफ जो स्काई का कलर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है वन प्लस का फोन। फोटो मैंने पोर्ट्रेट मोड में खींचा था, आप यहाँ पर देख सकते हो इस डिटेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है वन प्लस का फोन, बहुत ही अच्छी तरीके से बैकग्राउंड को ब्लार भी कर लेता है और कलर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। दोनों फोन का सारा रॉ फोटो सैंपल मैंने वेबसाइट में अपलोड कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाकर सारे फोटो को जूम वगैरह करके और भी डिटेल में देख पाओगे और उसके बाद आप अच्छी तरीके से डिसाइड कर पाओगे कौन सा फोन का कैमरा आपके लिए बेस्ट होगा। मुझे तो डिजाइन में सबसे अच्छा फोन लगा है वन प्लस, क्योंकि जो फोन है दिखने में काफी प्यारा सा लगता है। वीवो की कंपैरिजन में जो फोन है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा भारी है और थोड़ा सा मोटा भी है, लेकिन इसका जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, पीछे की तरफ भी पॉलीकार्बोनेट है जिसमें ग्लॉसी फिनिशिंग मिलता है, इसके वजह से क्रैशेस तो नहीं आता है लेकिन फिंगरप्रिंट का निशान थोड़ी बहुत आता है। दो कैमरा हाउसिंग पीछे की तरफ मिल जाएगा, कैमरा का बम भी इतना ज्यादा बाहर नहीं हुआ है। लेकिन अब फ्लैश लाइट की तरफ नजर डालिए, यार फ्लैश लाइट का डिजाइन को कुछ यूनिक किया है वन प्लस वालों ने, इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिलता है और सेंटर कंसोल के साथ फोन आता है। वीवो का डिजाइन भी इतना बुरा नहीं है, फोन पतला है, हल्का है, हाथों में कंफर्टेबल फील देता है। इसका जो फ्रेम है पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, पीछे की तरफ भी पॉलीकार्बोनेट मिलता है जिसमें मैट फिनिशिंग है,
क्रैशेस या फिंगरप्रिंट का निशान तो इतना ज्यादा नहीं आता है। पीछे की तरफ दो कैमरा हाउसिंग है, कैमरा का बाम भी इतना ज्यादा बाहर नहीं हुआ है। इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिलता है लेकिन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। दोनों फोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है जो हर बार एक्यूरेट और फास्ट भी काम करता है। दोनों फोन हाल फिलहाल में एंड्रॉइड 13 पर रन हो रहा है। अगर आपको चाहिए अच्छा ओएस फोन तो आप OnePlus की तरफ देख सकते हो, क्योंकि OnePlus में ऑक्सीजन ओएस 13, वीवो के अंदर है फंटा जो 13 से ऑक्सीजन ओएस 13 ज्यादा स्टेबल भी है। दोनों फोन में आप SD कार्ड को यूज कर सकते हो। ऐसे भी दोनों फोन 5G फोन है। OnePlus में है 13 बैंड 5G, वीवो में है 6 बैंड 5G। दोनों फोन में 4G प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। दोनों फोन में ड्यूल माइक है, नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। दोनों फोन में डिफॉल्ट गूगल का डायलर मिलता है। अगर आप चाहते हो तो OnePlus में वो डायलर को यूज कर सकते हो और वीवो में अब वीवो की डायलर को यूज करके कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट को आप डिसेबल कर सकते हो। दोनों फोन में सार लेवल विद इन लिमिट मिलता है। हैप्टिक फीडबैक OnePlus में थोड़ा सा बेहतरीन मिलता है। ऐसे भी OnePlus में है डुअल स्टीरियो स्पीकर, वीवो में है सिंगल स्पीकर। दोनों फोन में 5000 mAh की बैटरी है। OnePlus आता है इनबॉक्स 80 वाट का एडाप्टर के साथ, लेकिन ये जो फोन है 67 वाट से चार्ज होता है। और वीवो का फोन आता है इनबॉक्स 18 वाट का एडाप्टर के साथ। अगर आपको चाहिए फर्स्ट चार्जर के साथ साथ अच्छा बैटरी बैकअप फोन तो आप OnePlus की तरफ देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आप सीधी सी बात करते हैं ये दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। पहले आपको डिसाइड करना होगा आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप वीवो की तरफ देख सकते हो। हाँ दोस्तों, वीवो का प्राइस कम है इसलिए तो इसमें ढेर सारी स्पेसिफिकेशन OnePlus की कंपैरिजन में कम भी मिलेगा। अगर आप बजट को बढ़ा सकते हो तो OnePlus का फोन आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये जो फोन है भाई अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। इसका डिस्प्ले का साइज आपको बड़ा मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसमें आप अच्छी तरीके से गेम खेल सकते हो। डे टू लाइफ यूज में फोन हैंग वगैरह नहीं करेगा। कैमरा का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा और सबसे बड़ी बात इनबॉक्स आता है फर्स्ट चार्जर के साथ। तो मेरे हिसाब से OnePlus Nord C3 Lite बेस्ट है। आपके हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है अब मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक Vivo T2 के साथ Vivo T2X का कंपेयर वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो।